लाख कोशिशों के बाद भी गोकशी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेरठ पुलिस ने आज फिर गोकशों को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में मांस बरामद किया गया है। थाना किचोर पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के सालियाना गांव में एक घर में गोकशी हो रही है, जिस पर पुलिस ने छापा मारते हुए मौके से एक महिला सहित तीन लोगों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से प्रतिबंधित मांस और औजार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मांस को लैब के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेजने की तैयारी कर ली है। गोकशी का मामला सामने आया है, कितने लोग गिरफ्तार किए गए और क्या क्या बरामद? ये थाना किठौर के ललियाना में आज सुबह तड़के एक सूचना मिली कि कुछ मांस है, प्रतिबंधित मांस है, गोमांस भी हो सकता है। इस सूचना पे इंस्पेक्टर किठौर ने दबिश दी, तीन लोगों को गिरफ्तारी की, जिसमें एक माहिर है, दूसरा सदाकत और एक महिला भी है। तीनों को गिरफ्तार किया, इनके पास से औजार भी मिले हैं जिससे गोकशी करते हैं। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है, मांस को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया है और ये बड़ी कार्रवाई किठौर पुलिस ने आज गोकशी के खिलाफ किया। सर, किन धाराओं में इनको जेल भेजा जा रहा है? इसमें जो गोकशी की धाराएं हैं उनमें अभी जेल भेजे जा रहे हैं।